full speed, and then handbrake, drift, drift, okay? आगी को लारे भालू तो हमारा यहाँ 6 महीना रह गया है, मंदिर में आकर के नलिया आप यहाँ खड़े रहते हुए लेकर के खाता बैठ के, हमारा पोती उसके देह पर हाथ फेरता था, बैठ गया था। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। आज हमारे साथ जाने वाले सौरभ और हेलो और मैं राकेश और मैं आलोक धनंजय एवरीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ को चढ़ने के लिए दो वे है, एक तो आप ट्रैकिंग करके इधर से जा सकते हैं दिस वे से, और एक वे है इधर से सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। सो अराउंड 100 या 200 स्टेप्स होंगे, आप यहाँ से इजीली चढ़ सकते हैं। गाइस ये हैं वो स्टेप्स। ठीक है भैया चलो, हमारे गोलू भी अगर डेंजरस तू उसका सिनेमैटिक शॉट्स ले लेना। ओके यार, आज का मौसम एकदम ठंडा है गाइस। अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। झूठ बोल रहा है वो। मुंबई में नहीं 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 चिकन 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 नहीं 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 सीधा 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 आ गए एकदम हल्का फुल्का टॉप में, और ये हमारे दो राइडर। तो गाइस अभी हम लोग सीढ़ी की तरफ से चढ़ रहे हैं, हम लोग दोनों वैसे चढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के और सौरभ भी अभी बाइक पहाड़ में चढ़ा रहा है। हम लोग टारगेट हमारा ये है कि हम पहाड़ तक पूरा बाइक और स्कूटी को लेके जाएं। बात मत करो तो चढ़ाने टाइम सिस्टम मत करो। वो तो पूरा टॉप पे ले जा रहा है। देखियो क्या भाई क्या चला रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। ये स्लिप करेगा वरना। तो मैं बहुत सीधा साधा लौंडा हूँ, पलमपुर से बिलोंग्स करता हूँ। कोई सिंगल लड़की है तो बोलो मेरे लिए। आपको इंटरवल्स में ऐसे बैठने के लिए जगह मिलेंगी तो आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। ये बैठने की जगह, ये पानी का नल नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। Do not try this. Experience. Enjoy responsibly. क्या हो गया भाई? अभी मंदिर और थोड़ा ही दूर है क्योंकि हम लोग बाइक में ही आ गए ऊपर पहाड़ तक। मेरे को भी दिखा भैया थोड़ा हल्का फुल्का, अच्छा वाह यार अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस अभी हम मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर यहाँ पे तो कोहरा ही कोहरा है तो बहुत डिफिकल्ट है ड्रोन का शॉट्स लेना, बट लेंगे हम। कि अगर आपको मतलब कोई जगह के बारे में जानना है या तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बोलें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके चेक कर लेना और मेरे को डीएम करना। ओके पूछो इंसान के। तो गाइस तू तो मुझे, अभी हम लोग मंदिर के और पहुंच रहे हैं। मटखाई मंदिर के टॉप पे आके आप नेचर का एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो बोलते हैं वैष्णो देवी, क्या बोलते हैं भैया? वैष्णो देवी, वैष्णो देवी टेम्पल।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो नंदी, मैं ये आपको बताने वाला था, मटखाई जो पहाड़ है इसका नाम एक्चुअली मटखाई नहीं है, मटखाई लोग इसको बोलते हैं कि एक्चुअल में वैष्णो देवी। इधर लोग आते हैं मटखाई नाम से पूजा करके जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा होता है इधर सबसे बेस्ट बलांगीर का। साल में एक ही महीना होता है शिवरात्रि, 12 दिन का। इसका हिस्ट्री ये बताता हूँ आपको, बिलीव जुड़ा हुआ है ऐसा। एक बाबा थे यहाँ पे जो लोगों को पार कराते थे, जिनको मतलब घुटनों में तकलीफ होता था, रास्ता खो जाते थे, चढ़ नहीं पाते थे, उनको वो एक मसीहा जैसे थे, कहीं से भी आ जाते थे, लोगों का सुन के आवाज़ जैसे भी उनको अपने पीठ में डाल के पहाड़ के ऊपर ले आते थे जिनको देखना है भक्तों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो गाइस, दो बंदर एक बंदर को देख रहे हैं। सो गाइस, आप यहाँ से उतर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको गुफा के खोज में जाना है तो आप मंदिर से निकल के ये राइट लीजिए जो यहाँ पे है, ये राइट। चल सुब्रांशु, सुब्रांशु आ जा, कलिया को थोड़ा दिखा दो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मामा। मैं आपको गुफा का व्यू दिखाता हूँ अभी, लेकिन बहुत डीप, हम जहाँ नहीं सकते क्योंकि बहुत बहुत ही अंदर जाओ, अंदर तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, स्मेल बहुत आ रही है, टटक के गए थे। जगह पे एक्सप्लोर करना है तो आप देख के एक्सप्लोर कीजिए। मारा तो था खाना के ने कुकड़ा हो छी। सो गाइस, सौरभ को एक जंगली हेन मिल चुका है। अकेला मत आना भैया, अकेला मत आना। इतना खूबसूरत जगह है ना, अकेले जाना मना है। सो गाइस, बंदर लोग हमें बहुत डरा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है। यू नो दिस गाय, नंबर वन बुलशिट गाय, नंबर वन बुलशिट गाय। को बाइक फिर नीचे उतारनी है और फटेगी। सो गाइज, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस, क्योंकि ये बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए। ये मौत का कुआ से वापस आके गए हैं, क्योंकि फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है, तो हम लोग बिना स्टार्ट के 1 किलोमीटर नीचे उतारेंगे। चलो ओके, चलते हैं, चलो चलते चलते यूं ही, लेट्स स्टार्ट गाइस। और हमारे ड्रोन ऑपरेटर, नए ड्रोन ऑपरेटर। जो है पहले हम पूजा करते हैं मटखाई का। विश्वकर्मा पूजा के दिन मस्त भीड़ होता है, टिमटम भीड़ रहता है, लगभग 1,000-2,000 गाड़ी का पूजा करते हैं। आपको साई तला टिकला घर के सिंह यहाँ काटा भाग जैसे गाड़ी आता है यहाँ पूजा करने। हमारा नाम मोहन पांडे है, हम यहाँ 2002 से आए हैं, तो 2002 से अभी तक हजारों हजारों भक्त आते हैं। ये मटखाई बुढ़ा के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। माता जी भी हैं, शनि भगवान भी है, विश्वकर्मा जी भी हैं,
ऊपर भी हैं वैष्णव देवी और जमेश्वर महादेव और गणेश। यहाँ हजारों हजारों भक्त आते हैं, दशहरा में आते हैं, दोनों दशहरा में कार्तिक पूर्णिमा को आते हैं। मटखाई बुड्ढा जो है, एक बार उसके बारे में बताइए। मटखाई बुड्ढा जो है ये धरिए एक लेखा से महादेव है। महादेव हाँ, ये जो है ये पत्थर का यहाँ पूजा होता है, यही जो है महादेव है। पहले इनको पूजा होता है, इसके बाद माता जी का पूजा। अच्छा, वो है क्या महादेव? हाँ जी, हाँ जी, पहले यहाँ पत्थर का ही पूजा होता था। जो भक्त आए उस टाइम में ये 5 पैसा 25 पैसा हम तो देखे नहीं है, सुनते हैं। हाँ, चढ़ाते थे, एक तो यहाँ बहुत बड़ा पत्थर था, उसी में लोग डाल देते थे पैसा। कोई आया ले भी लिया, कोई आया छोड़ भी दिया, कोई। ये सिंदूर मखा के नाम से प्रसिद्ध है। सिंदूर मखा? हाँ, ये मेन जो है सिंदूर मखा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ शिकार करने भी लोग आते थे पहले के टाइम में। पहले के टाइम में हमारे राजा घरे से पहले शिकार करने इधर आते थे। बरंगी यहाँ तो लंगूर भालू बहुत सारे, लंगूर भालू, आपको चीता, इसके बाद कुलिया, आपको हाथी। हाथी भी है? हाँ, हाथी भी आते रहता है, जंगल है तो आते रहता है। अभी तो जंगल थोड़ा कम हो गया है, उस टाइम जब हम आए थे बहुत जंगल था। ये तो जो मटखाई बाबा थे वो कोई ऐसे कि कोई किसी ने देखा है उनको? हम आपको पूरा स्टोरी ही बता देते हैं। तो पैंट मार करके हम बता रहे थे ना आपको कि हम पूजा कर रहे थे, तो हमको पीछे से कोई मारा। फिर 3 बजे हम गए आशा पड़ोस में, फिर हम कपड़ा चेंज किए, आज तक यही करे है हमारा। जस्ट बगल में बगीचा है, वहाँ बगीचा में हम रहते थे। आपको जो है दशहरा में दोनों इतना बड़ा छोटा सा ये लाल ये लड़की के रूप में आएगा। सही में? हाँ, चूड़ी का आवाज आएगा, बाघ का आवाज आएगा। बूढ़ा जो है व्हाइट पाग बने रहेंगे, व्हाइट घोड़ा पर बैठे रहेंगे, रूपा का छड़ी रहेगा, रूपा का खराव रहेगा। अब सच्चे दिल से इनका नाम लीजिए, एकदम प्रत्यक्ष होंगे, तब ना हजारों हजारों भक्त आते हैं। आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया मंदिर। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे बैठे रहते हैं मंदिर में। तो ये मटखाई बुरा माता रानी ये दोनों जो है करते हैं, अपने बुलाते हैं, गरीब धनी सब भक्त आते हैं यहाँ। जिसको बुलावा आता है वही आता है, नहीं आ पाएगा। अब आपको बुलावा आ गया माता रानी का, आप दोनों हाजिर हैं। 2 बार हो गया आज। ऐसे ही माता रानी का मठाई बुलाता इच्छा होता है, भक्त लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऊपर में जो वैष्णव देवी उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ऊपर जो है वैष्णव देवी, उसमें भी भक्त लोग का योगदान है। देखिए गरीब धनी सब भक्त लोग सहयोग यहाँ भी किए हैं, ऊपर भी किए हैं। तब जो है वैष्णव देवी ऊपर बना है, तो ऊपर महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली तीनों मिल करके एक वैष्णव देवी होती है। उसके बाद जो है आपको एक तो जमेश्वर महादेव बने हैं, आधा राक्षस आधा महादेव। ये जो है जम द्वितीया के ही दर्शन में ये किया जाता है, लेकिन हम आप भक्त नहीं पूछते हैं, इसलिए महादेव का वहाँ एक तो लिंग भी है, उस पर लोग जो है जल चढ़ाते हैं। मटखाई बुढ़ा जो रास्ता पार करवाते हैं, जिसको मंदिर दर्शन के लिए जब पुराने काल में लोग आते थे तो रास्ता भटक जाते थे, इनका नाम लेते थे, तो ये रास्ता दिखाते थे। बाबू रे तुम इधर से जाओ, घरे चला जाएगा, इधर तुम हेरा जाएगा, जंगल में चला जाएगा। सो गाइस, डन विद द डे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। हम लोग 2 बार आए मटखाई मंदिर, एक बार ड्रोन शॉट्स के लिए आए और सेकंड टाइम हम ब्लॉग के लिए आए थे। आज सुबह से 6 बजे से अराउंड 4:30 हो चुका है। यही वो मंदिर है जहाँ पे कुछ भी बड़ा काम होता है तो सब नमन करके जाते हैं। आइए एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है बलांगीर का, और बलांगीर का ओरिजिन है ये। तो प्लीज़ आइए विजिट कीजिए और आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखेंगी और आप अच्छा ट्रैकिंग भी करेंगे। स्टे ट्यून गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।